नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में उलटफेर देखने को मिल सकता है। जहां दोस्तों अचानक से शिवसेना कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में क्या यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। जहां दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से भूचाल सा आ चुका है। जिस प्रकार की यहाँ पर सरकार बनी, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार तो बनी, लेकिन अब तक शिवसेना एनसीपी में मंत्री पद को लेकर कितने मंत्री होंगे ये क्लियर नहीं हो पाया है। केवल 2 मंत्री हर एक पार्टी से लिए गए। इसके बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब क्या होगा महाराष्ट्र में ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद। यहाँ पर अजीत पवार यहाँ पर डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं, तो क्या होगा, अजीत पवार को कौन सा पद मिलेगा ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल महाराष्ट्र से बड़ी खबर की शिवसेना को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। शिवसेना के कार्यकर्ता 400 कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये 5 दिसंबर की बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि शिवसेना के 400 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार तो बन गई, लेकिन इस सरकार के बनने के बाद तो शिवसेना के कार्यकर्ता बिल्कुल खुश नहीं है। और महाविकास अघाड़ी जो बनी है उसमें 400 कार्यकर्ता शिवसेना के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बुधवार की ये बड़ी खबर है कि भाजपा का दामन थाम चुकी है 400 शिवसेना कार्यकर्ता। उन्होंने क्या कहा है सब देख सकते हैं आप। कि यहाँ पर मुंबई से बड़ी खबर है कि 400 शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और ये यहाँ पर कुछ बड़ा अपडेट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ कहा शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जब उन्होंने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की। शिवसेना के विशेष अधिकारी यहाँ ने रमेश नादेसर ने कहा है कि हमारी पार्टी 400 समर्थक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने सरकार बनाने के लिए जो कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का महागठबंधन है उसकी यहाँ पर शामिल पर शिवसेना की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी के साथ इसलिए थे क्योंकि उसने हिंदुत्व के एजेंडे को उच्च प्राथमिकता दी। केवल 400 पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि शिवसेना में कई ऐसे लोग फैसले से दुखी हैं। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति से निकल कर आ रही है। इसके अलावा नादेसर ने कहा कि कोई भी समर्थक भावना और यहाँ पर जज्बात को नहीं समझता है कि बिना किसी चीज के बदले असल में पार्टी के लिए काम करता है। पिछले 7 सालों से हम कांग्रेस और एनसीपी के समर्थकों के खिलाफ यहाँ पर चुनाव लड़े थे और चुनाव के दौरान कार्यकर्ता हर दरवाजे पर जाकर वोट मांगते हैं। हम कैसे वापस जाकर उन्ही लोगों का सामना करते हैं जिनके खिलाफ हमने एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए वोट मांगा था। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है कि महाराष्ट्र में अचानक से 400 शिवसैनिक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी सरकार बन पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर जो भी कुछ हुआ है वो कितना सही या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।